मैं डॉक्टर धर्मेंद्र एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्रिएटिव माइंड से आज हम इस बच्चे के बारे में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करके देखेंगे, जैसे कि एनिमल वॉक, पुश पुल, वेट लिफ्टिंग हो गया, हैंगिंग हुआ, डॉल प्रेशर हुआ, जो इस बच्चे की नीड है, डेली नीड की, उसकी ये एक्टिविटीज कराई जाएंगी। हाँ, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एनिमल वॉक से, जिसमें जो बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी होती है। जैसे छोटे बच्चों के लिए अराउंड 5 to 7 सेट्स करते हैं, और बड़े बच्चों के लिए ये अराउंड 10 to 15 या 20 तक करते हैं। वेरी गुड, चल नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी वेट लिफ्टिंग, जो कि उन बच्चों को कराई जाती है जिनकी कोर मसल्स कमज़ोर होती है, मसल टोन बहुत पुअर होती है, जो बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, हाइपर होते हैं, उन बच्चों के लिए यूजफुल एक्टिविटी होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें 8 to 10 टाइम्स कराते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको 15 to 20 टाइम्स कराते हैं। इसमें वेट भी नेसेसरी होता है, अराउंड 3 kg वेट जो होता है उन बच्चों के लिए होता है जो हाइपर ज़्यादा होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अराउंड 1 kg या 2 kg सफिशियंट होता है। 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटी है डॉल प्रेशर एक्टिविटी। ये उन बच्चों के लिए कराई जाती है जो बहुत ही बच्चे हाइपर होते हैं, भागते रहते हैं इधर से उधर, उन बच्चों को प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ये एक्टिविटी कराई जाती है। आइए दिखाते हैं कैसे कराते हैं ये एक्टिविटी। आओ, गो, वेरी गुड। ये छोटे बच्चों को अराउंड 1 मिनट के लिए कराते हैं, और बड़े बच्चों को 2 to 4 मिनट के लिए कराई जाती है। वेरी गुड, नो, चलो चलो चलो, गो, वेरी गुड। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है हैंगिंग, जिसमें जो बच्चों के हैंड फिंगर फ्लिकरिंग ज़्यादा होता है, फिंगर के मूवमेंट्स ज़्यादा करते हैं, और हैंड्स को इधर उधर चलाते रहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। ये छोटे बच्चों को वही 6 to 7 टाइम्स कराते हैं, और बड़े बच्चों को 8 to 10 टाइम्स कराए जाते हैं। चलो अब 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, काउंट 10 टाइम्स। चलो रेडी, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है पुश पुल एक्टिविटी, जो उन बच्चों के लिए मोस्टली कराई जाती है जो बच्चों की हैंड स्लैपिंग होती है, ज़्यादा दौड़ते हैं, उन बच्चों के लिए। आइए देखते हैं कैसे कराते हैं। गो 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 गो, वेरी गुड वेरी गुड, टर्न टर्न, turn। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रेशर ऑन सोल एंड प्रेशर ऑन पाम। जो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, एड़ी उठा के चलते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी होती है ये। जो बच्चे घर में बहुत भागा दौड़ी करते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, जंपिंग करते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही
अच्छी एक्टिविटी है ये, छोटे बच्चों को अराउंड वही 30 to 40 seconds तक कराते हैं और बड़े बच्चों को ये अराउंड 1 minute के करीब कराते हैं। ऐसे करके वेट ट्रांसफ़र करते रहते हैं, क्योंकि पूरा वेट एक बार में नहीं दिया जाता बच्चे के पैरों पर। अब हम सोल के बाद हम पाम पे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है लैडर क्लाइंबिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी उन बच्चों को कराई जाती है जो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, मसल टोन जिनकी वीक होती है, और जो उन बच्चों के लिए जो हाइपर बहुत होते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी होती है। छोटे बच्चों के लिए ये वही 3 to 4 या 5 times कराते हैं, और बड़े बच्चों के लिए ये 10 to 15 times कराते हैं। वेरी गुड, चलो डाउन अप। इस पे दोनों जगह प्रेशर लगता है, फिंगर्स पे भी प्रेशर आता है, टो पे भी आता है, बॉडी पे भी रहता है। चलो चलो रब। हाँ, जो भी आपने ये एक्टिविटीज देखे हैं ये सब बच्चे की नीड के हिसाब से की जाती हैं, उनके जो गोल्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उन पर हम काम करते हैं। जैसे हमने कुछ फाइंडिंग किया, जो पेरेंट्स बताते हैं वो सब बच्चे के नीड के हिसाब से एक्टिविटी प्लान की जाती है। इन केस आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र क्रिएटिव माइंड से, थैंक यू।